नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने कुमार संभव के पंचम सर्ग के 34 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और उसके आगे अब ये 35वां श्लोक आप देखिए। अपि प्रसन्नम हरिणेषु ते मनः करस्थ दर्भ प्रणयापहारिषु य उत्पलाक्षी प्रचलेर विलोचने स्तवाक्षी सादृश्यम इव प्रयुज्यते। उसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, करस्थ दर्भ प्रणया अपहारिषु ते मनः प्रसन्नम अपि। हे उत्पलाक्षी, ये प्रचले विलोचने तव अक्षी सादृश्यम प्रयुज्यते इव। तो इसमें जो ब्रह्मचारी के वेश में शिव आए हैं तपोवन में, जहाँ की पार्वती तपस्या कर रही है, वो उनसे इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि हे कमल नयनी, हे उत्पलाक्षी, हे कमल नयन वाली पार्वती, करस्थ दर्भ प्रणया अपहारिषु, जो हाथ में स्थित कुशाओं को प्रेम पूर्वक ले जाने वाले हरिणेषु, हरिणों में जो मृग हैं उनके विषय में प्रसन्नम ते मनः, जो तुम्हारा मन है वो प्रसन्न तो रहता है ना। और फिर वो कह रहे हैं, हे उत्पलाक्षी कमल नयनी, ये जो कैसे हैं तव, यानी तव विलोचने, तुम्हारे जो नेत्र हैं उनसे, आँखों से, कि अक्षी सादृश्यम, तुलना का मानो क्या कर रहे हैं, प्रयुज्यते इव, अभिनय कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मचारी है वो क्या कहना चाह रहा है कि हे कमल नयनी, तुम्हारे हाथ में जो कुशाओं को प्रेम से ले जाते हैं, जो हाथ में कुशाएं होती है, ऐसे वो हिरण तुम्हारे विषय में, उन मृगों के विषय में तुम्हारा मन प्रसन्न तो है ना, और जो अपने चंचल नेत्रों से तुम्हारी आँखों की समता का मानो अभिनय कर रहे हों। इसलिए जो पार्वती है उसकी तपस्या का वर्णन यहाँ बताया गया है बच्चों, कि वो इतना प्रेम पूर्वक रहती थी वहाँ के हिरणों के साथ भी, कि उसकी हाथ में से ही कुशाओं को लेकर के जो हरिण थे वो चले जाते थे, और जिस प्रकार पार्वती के नेत्र चंचल थे उसी प्रकार से वो हिरण भी चंचल नेत्रों वाले थे और मानो उनकी आँखों की समानता को प्राप्त कर रहे थे, उसी प्रकार के उनके नेत्र भी थे। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि हे उत्पलाक्षी, हे कमल नयनी, करस्थ दर्भ प्रणया अपहारिषु, जो हाथ में स्थित कुशाओं को प्रेम पूर्वक ले जाने वाले, ते मनः प्रसन्नम अपि, कौन है वो ऐसे ले जाने वाले, हरिणेषु, हरिणों में, ते मनः प्रसन्नम अपि, तुम्हारा मन प्रसन्न तो रहता है ना, खुश तो रहता है ना। ये जो कैसे हैं वो, प्रचले चंचल विलोचने, नेत्रों के द्वारा तव तुम्हारी अक्षी सादृश्यम, आँखों की तुलना का प्रयुज्यते इव, मानो अभिनय कर रहे हैं। तो बच्चों, इसमें पार्वती का जो तपोवन के मृगों के प्रति स्नेह है उसको व्यक्त किया गया है, और पार्वती के जो नेत्र हैं उनको हरिण के नेत्रों के समान चंचल और सुंदर बताया गया है। उत्पलाक्षी में यहाँ पर रूपा अलंकार है और जो पूरा श्लोक है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उत्पलाक्षी, उत्पले इव अक्षिणी यस्या सा उत्पलाक्षी, यहाँ बहुव्रीहि समास है। और अब इसके आगे अगला श्लोक देखते हैं। यदुच्यते पार्वती पापवृत्ते न रूपमित्य व्यभिचारी तद्वचः तथा हिते शील उदार दर्शनी तपस्विनाम अपि उपदेशताम गतम। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, हे पार्वती, रूपम पापवृत्ते न इति यत उच्यते तत्वचः अव्यभिचारी तथा ही हे उदार दर्शनी ते शीलम तपस्विनाम अपि उपदेशताम गतम।
तो वो क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, पाप वृत्त रूपम पाप वृत्ते न, जो रूप होता है वो सौंदर्य जो होता है पापाचरण में सौंदर्य कारण नहीं होता है। इति यत उच्यते, ऐसा जो कहा जाता है, तत्वचः अव्यभिचारी, यह कथन पूर्णतया सत्य है। तथा ही क्योंकि हे उदार दर्शनी, हे उदार चरित्र वाली, ते शीलम, जो आपका पार्वती का शील है वह तपस्वी नाम अपि उपदेशताम गतम, तपस्वी जनों को भी उपदेशताम उपदेश देने वाला गतम हो गया है। तो बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि जो पापाचरण में सौंदर्य कारण नहीं होता है ऐसा जो कहा जाता है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो उनका सौंदर्य था उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ करके पार्वती ने, और इतनी कठोर तपस्या की कि तपस्वियों के लिए भी उपदेश देने वाली बात हो गई। तो इसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। फिर से देख लीजिए एक बार अर्थ। हे पार्वती, रूपम पापवृत्ते न, जो पापाचरण है उस पापाचरण में सौंदर्य रूपम सौंदर्य कारण नहीं होता है। इति यदुच्यते, ऐसा जो कहा जाता है, तद्वचः अव्यभिचारी, वह बात बिल्कुल अव्यभिचारी यानी गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है, सही है। क्योंकि तथा ही हे उदार दर्शनी, हे उदार चरित्र वाली पार्वती, ते शीलम, जो तुम्हारा शील है वो तपस्वी नाम अपि, जो तपस्वी हैं उनको भी उपदेश गताम उपदेशताम गतम, उपदेश देने योग्य हो गया है। ऐसा तुम्हारा तप के प्रति जो कठोर निश्चय है वो इस प्रकार का दिखाया गया है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। विकीर्ण सप्त ऋषि बलि प्रहासिभे तथा न गांगे सलीले उद्वश्युते, यथा त्वदीयेश्चरितेर नाविलय महीधर पावितेश सान्वय। इसका अन्वय देखिए बच्चों कि एषः महीधरः विकीर्ण सप्त ऋषि बाल प्रहासिभि दिवः च्युतेः गांगे सलीलेः तथा न पावितः अनाविले त्वदीये चरिते यथा सान्वय पावितः। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एषः महीधरः, ये जो हिमालय है वो क्या है, महीधरः हिमालय पर्वत, विकीर्ण सप्त ऋषि बाल प्रहासिभि, जो कैसा है, छेतराए हुए पुष्प सप्त ऋषि बलि, जो सप्त ऋषियों द्वारा जिन्होंने चढ़ाए हैं ऐसे सुंदर चमक वाले पुष्पों से, और जो बाद में इधर उधर फैल करके जो चमक रहे हैं ऐसे, और दिव्य यानी आकाश से च्युते यानी गिरी हुई गांगे गंगा के सलीले जल से भी वो पावितः, उतना पवित्र नहीं हुआ है, पाप रहित नहीं हुआ है जितना कि किस प्रकार से हुआ है, त्वदीये तुम्हारे चरितै आचरण से, वह सान्वय अपनी वंश परंपरा सहित पुत्र पौत्र आदि के साथ पावितः पवित्र हो गया है। तो इसमें बच्चों क्या कहा जा रहा है कि वो जो हिमालय पर्वत है उस पर जो सप्त ऋषियों ने चढ़ाए थे सुंदर चमक वाले फूल, और आकाश से जो गंगा आकर के उस हिमालय पर्वत पर गिरी है उससे भी वो हिमालय पर्वत उतना पवित्र नहीं हुआ है जितना कि आपके आचरण से संपूर्ण जितनी भी वंश परंपरा है उसके साथ वो पवित्र हो गया है। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, महीधरः, ये जो हिमालय पर्वत है वो विकीर्ण सप्त ऋषि बाल प्रहासिभि, विकीर्ण यानी छितराए गए सप्त ऋषि बलि पुष्पाहार के प्रहासिभि, हंसी के द्वारा सप्त ऋषियों द्वारा जो चढ़ाए गए थे श्वेत पुष्प, जो बाद में इधर उधर भी फैल गए थे और चमक रहे थे
उनके द्वारा और दिव्य यानी आकाश से जो चुतेई गांगे जो गंगा गिरी थी हिमालय पर्वत पर उसका जो सलीले जल गिरा था उससे भी वो पावितः न उतना अत्यधिक पवित्र नहीं हुआ है जितना कि त्वदीय तुम्हारे चरिते आचरण से वह क्या हुआ है सान्वय पावितः अपने पुत्र पौत्र आदि जो वंश परंपरा है उसके साथ वो पावितः पवित्र हो गया है। तो ये जो श्लोक है बच्चों इसमें पार्वती की तपस्या से हिमालय के प्रत्येक कण का पवित्र होना बताया गया है। इसमें पार्वती के चरित्र को गंगा जल से भी अधिक पवित्र बताया गया है। यहाँ जो मही धरा है उसमें मही ध्र और कह है और प्रहास भी में प्र हस और निनी प्रत्यय है। पाविता में पू णिच और कत प्रत्यय है। सप्त ऋषय में बताया ही है कि सप्त चैते ऋषियश्च सप्त ऋषिय। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। अनेन धर्मः सविशेषम अध्यमे त्रिवर्गसार प्रतिभाति भाविने त्वया मनो निर्विषया अर्थकामया यदि एव प्रतिगृह्य सेव्यते। तो अन्वय देखिए। हे भाविनी अनेन धर्मः सविशेषम अध्यमे त्रिवर्गसारः प्रतिभाति यत मनो निर्विषया अर्थकामया त्वया एक धर्म एव प्रतिग्रहे सेव्यते। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ कि हे भाविनी हे श्रेष्ठ भावों वाली अनेन धर्मः अनेन यानी इस कारण से इस धर्म विशेष मुझे धर्म ही विशेष रूप से जो त्रिवर्ग सारह तीन वर्ग हैं उनमें कौन कौन से त्रिवर्ग हैं धर्म अर्थ और काम में वो कह रहे हैं कि प्रतिभाति श्रेष्ठ सविशेषम जो मुझे श्रेष्ठ लग रहा है वो क्यों लग रहा है क्यों कहा जा रहा है कि मनोर निर्विषया अर्थ कामया अर्थ और काम से रहित मन वाली त्वया तुम्हारे द्वारा प्रतिग्रह्य सेव्यते स्वीकार करके और उसको सेवन की जा रही है अर्थात पालन किया जा रहा है। तो फिर से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों। वो क्या कह रहे हैं कि हे भाविनी हे श्रेष्ठ भावों वाली जिसके मन में अच्छे भावना है ऐसी तुम पार्वती आज क्या लग रहा है अनेन धर्म है इससे तो आज मुझे क्या लग रहा है धर्मों में सविशेषम अध्यमे त्रिवर्ग सार प्रतिभाति जो तीन पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ और काम उनमें मुख्य रूप से धर्म ही सविशेषम धर्म ही मुझे सर्वश्रेष्ठ लग रहा है। यत क्योंकि क्यों लग रहा है कि मनोर निर्विषया अर्थ कामया क्योंकि जो अर्थ और काम रहित आपका मन है उस तुम्हारे जो पार्वती उस मन से के द्वारा क्या किया जा रहा है त्वया एकः धर्म एव प्रतिग्रह सेवते तुम्हारे द्वारा एक ही धर्म को स्वीकार किया जा रहा है उसी का पालन किया जा रहा है। तो ये जो श्लोक है बच्चों उसमें धर्म को त्रिवर्ग का सार बताया गया है और त्रिवर्ग कौन कौन से हैं वो धर्म अर्थ और काम। पार्वती के हृदय को अर्थ एवं काम से रहित और धर्म से युक्त बताया गया है क्योंकि वो तपस्या में इतनी रत हैं कि उन्हें अर्थ और काम से कोई प्रयोजन ही नहीं है वो केवल और केवल धर्म के लिए ही रत हैं। तो बच्चों आज हमने ये चार श्लोक पढ़े हैं अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।